Hello guys, welcome back to my channel. If you are new here, hi, I am Man Roy. I am a professional makeup artist. मैं मेरे चैनल पे मेकअप एंड स्किन केयर रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ. एवरी ट्यूजडे एंड थर्सडे यू विल गेट न्यू वीडियो ऑन माय चैनल. इफ यू आर वाचिंग माय वीडियोस फ्रॉम लॉन्ग टाइम एंड डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल येट, देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. इट मींस अ लॉट फॉर मी एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन. सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. सो इन टूडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू माई टॉप 5 फेवरेट आई शेडो पैलेट. आई शेडो पैलेट मैं उतना ज्यादा यूज नहीं करती हूँ, बहुत ही लिमिटेड रखती हूँ. बहुत जन है, बहुत क्रेज है आई शेडो पैलेट में, हमेशा नए नए आई शेडो पैलेट परचेज करते थे. मैं ऐसा नहीं करती हूँ. आप देखोगे मोस्टली जो पैलेट होते हैं उनमें शेड जो है सेम होता है, तो मुझे अगर बहुत ज्यादा यूनिक कोई शेड ना दिखे तो मैं पैलेट परचेज नहीं करती हूँ. और किसी भी पैलेट में अगर एक शेड या दो शेड यूनिक दिखे, सिर्फ एक और दो शेड के लिए मैं बहुत ज्यादा पैसा जो है खर्चा करके मैं फुल पैलेट कभी भी नहीं खरीदती हूँ. बहुत सोच समझ के मैं आई शेडो पैलेट खरीदती हूँ. मतलब मैं चाहती हूँ अगर मैं कोई पैलेट खरीद रही हूँ तो उसमें मैक्सिमम मेरा मुझे जो है बहुत सारे न्यू शेड मिले जो ऑलरेडी मेरे पास नहीं है. तो इस वजह से मेरे पास बहुत ज्यादा तो आई शेडो पैलेट नहीं है, बहुत ही लिमिटेड है. मैं प्रोफेशनली वर्क करती हूँ फिर भी मेरे पास लिमिटेड है, एंड उससे ही बहुत आई लुक क्रिएट हो जाता है. ट्रस्ट मी, आपको बहुत सारा आई शेडो पैलेट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. सो आज का जो वीडियो आई शेडो पैलेट के ऊपर है, मैं मेरे पास जितने भी आई शेडो पैलेट है उनमें से मेरा कौन सा टॉप 5 फेवरेट आई शेडो पैलेट है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी. सो सबसे पहला जो पैलेट मैं आपको दिखाऊंगी ये है वेट एंड वाइल्ड का रोज इन द ईयर आई शेडो पैलेट. कुछ इस टाइप का इसका पैकेजिंग है, काफी पॉपुलर है. इसमें अभी जो है बहुत सारे पैलेट है इस रेंज में, पर फर्स्ट जो है जिस टाइम मैंने परचेस किया था उस टाइम यही पैलेट था, एंड बाकी पैलेट आने के बावजूद भी ये वाला जो पैलेट है रोज इन द ईयर ये ज्यादा पॉपुलर है. पॉपुलर होने का रीजन एक है कि ये इसका जो शेड है ये एनेस्थेसिया बेवरी हिल्स का एक बहुत ही पॉपुलर आई शेडो पैलेट है, उसका ड्यूप माना जाता है क्योंकि शेड जो है ऑलमोस्ट सेम है. तो ये मुझे बहुत पसंद है. एक तो ये बहुत ट्रेवल फ्रेंडली है, आप इजिली कैरी कर सकते हो. दूसरी बात ये है इसको अगर ओपन करती हूँ इस पर जो मैट शेड है इसका पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा अच्छा है. मैं एक दो शेड जो है स्वच्छ करके आपको दिखाना चाहती हूँ. मतलब इतने कम प्राइस के आई शेडो पैलेट में इतना ज्यादा पिगमेंटेशन, आप देखो बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेशन है इसमें. तो इसलिए मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली मैट शेड्स के लिए मुझे ये आई शेडो पैलेट बहुत अच्छा लगता है. एंड आप देख सकते हो ये वाला शेड ये मैंने इतना यूज किया है, मैंने पैन हिट कर दिया है. ये शेड ये जो है न्यूट पिंक शेड है, बहुत ब्यूटीफुल एक न्यूट पिंक शेड है ये वाला शेड, और ये ब्राउन शेड, ये दो शेड जो है मैंने सबसे ज्यादा यूज किया है इस पैलेट में से. हाँ, इसका शिमरी शेड उतना अच्छा मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. शिमरी शेड से आप कोई एक्सपेक्टेशन ना ही रखो तो अच्छा है. शिमरी शेड यहाँ पर दो है, हाँ दो शिमरी शेड है, पर इससे कोई भी एक्सपेक्टेशन ना रखो, सबसे बेस्ट है आपके लिए, उतना अच्छा नहीं है. पर अगर आपको एवरीडे के लिए कोई एक ऐसा आई शेडो पैलेट चाहिए जिससे आप एवरीडे जो है नेचुरल लुक क्रिएट कर सको, एंड मैट शेड आपको अच्छा चाहिए, देन आप ये पैलेट ले सकते हो. बहुत ही अच्छा है, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है. सो नेक्स्ट जो आई शेडो पैलेट है ये है ब्यूटी ग्लेस का ये आई शेडो पैलेट. दिस इज द वन एंड ओनली आई शेडो पैलेट विच इज लाइक एग्जैक्टली हाई एंड प्रोडक्ट. इसका जो पिगमेंटेशन, इसका क्वालिटी है एग्जैक्टली हाई एंड प्रोडक्ट की तरह है. अगर मैं इसको ओपन करती हूँ शेड कुछ इस टाइप का है. इसमें आई थिंक 1, 2, 3, 5 5 मैट शेड है एंड 4 जो है शिमरी शेड है. कौन सा शेड अच्छा है कौन सा शेड अच्छा नहीं है मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि इसके सारे शेड्स अच्छे हैं. इसका भी मैं पिगमेंटेशन आपको दिखाऊंगी. देखो आई शेडो पैलेट दिखा रही हूँ, अगर मैं पिगमेंटेशन आपको नहीं दिखाऊंगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे क्यों पसंद है ये सब आई शेडो. देख सकते हो इस टाइप का है पिगमेंटेशन. यहाँ पर मैं स्वच करती हूँ, बहुत अच्छा पिगमेंटेशन है. चाहे आप मैट शेड बोलो शिमरी शेड बोलो, बहुत ही ब्यूटीफुल पिगमेंटेशन है. बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं है, टेक्सचर एकदम क्रीमी है, बहुत ज्यादा पाउडरी नहीं है, बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है. मतलब इतना अच्छा आई शेडो पैलेट इतना कम प्राइस में मैं इमेजिन नहीं कर सकती हूँ. क्योंकि लास्ट वाला जो आपको दिखा है वेट एंड वाइल्ड का, उसका देखो शिमरी शेड उतना अच्छा नहीं है, सिर्फ मैट शेड के लिए मुझे पसंद है. पर इसमें शिमरी मैट सब शेड इतने ब्यूटीफुल है, अब देखो. और ये वाला जो मेरे पास पैलेट है इसका नेम है बेरी. इसमें बहुत सारे अलग अलग रेंज है, ये पिंक टोन में सारे शेड है, अलग से ब्लू टोन के शेड के लिए अलग पैलेट है, ग्रीन के लिए अलग है. तो इसमें शायद 6 या 7 पैलेट आपको मिल जाएगा इस रेंज के अंदर. डेफिनेटली आप एक बार ट्राई करके देखो. अगर आपको अच्छा क्वालिटी आई शेडो चाहिए और अफोर्डेबल प्राइस में चाहिए अच्छा क्वालिटी, देन आपके लिए मस्ट है, आप एक बार ट्राई करके देखो, रिग्रेट नहीं फील करोगे.
और मैंने इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाया था, हाँ मुझे याद है, इसके ऊपर अलग से मैंने एक रिव्यू वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये मेरा जो है फेवरेट आई शेडो पैलेट है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि इसके पास कोई हाई एंड पैलेट रहता है पर मैं वो ना लेके मैं इससे आई शेडो जो है आई लुक क्रिएट करना ज्यादा पसंद करती हूँ। सो नेक्स्ट माई फेवरेट पैलेट इज Huda Beauty रोज गोल्ड आई शेडो पैलेट। दिस इज नॉट ओनली माई फेवरेट आई शेडो पैलेट, मोस्ट ऑफ द ब्यूटी ब्लॉगर्स, मोस्ट ऑफ द मेकअप आर्टिस्ट का ये फेवरेट आई शेडो पैलेट है। तो अगर मैं ओपन करती हूँ आप देख सकते हो यहाँ पर सारे मैट शेड्स हैं, यहाँ पर जो है शिमरी शेड है। शिमरी शेड में एक या दो शेड, हाँ दो शेड जो है थोड़ा मेटेलिक टाइप का है एंड बाकी जो शेड्स है ये सब ग्लिटर टाइप का शेड्स है। तो इनिशियली मुझे जो है ग्लिटर टाइप का जो शेड्स है वो उतना ज्यादा पसंद नहीं आता था क्योंकि मैं उतने अच्छे से उसको अप्लाई नहीं कर पाती थी, अगर अप्लाई करती थी तो एप्लीकेशन उतना अच्छा नहीं होता था। बाद में मेरे पास मैंने एक जेल लिया है जो टू वे जेल मेकअप स्टूडियो में भी आपको मिलेगा या फिर आप पैक में भी देख सकते हो, पैक में भी मिलता है। हाँ तो ये वाला जो जेल है ये एक ऐसा जेल है, अगर आपको लगता है कोई भी शिमर या ग्लिटरी शेड अच्छे से अप्लाई नहीं होता है तो उससे पहले आप ये अपने जो आई लीड है वहां पर जेल लगा लो, उसके बाद जेल जब ड्राई हो जाएगा उसके बाद आप आई शेडो लगाओ तो बहुत ही स्मूथली बहुत अच्छे से एप्लीकेशन होता है। तो वो जेल लेने के बाद से मुझे इन ग्लिटर शेड के साथ बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है एंड ग्लिटरी शेड का शाइन जो है बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा लगता है, मतलब आई लुक जो है कम्प्लीट चेंज हो जाता है। और अगर मैट शेड्स की बात करूँ तो ये तो मतलब टॉप वन क्वालिटी है मैट शेड का, इतना अच्छा पिगमेंटेशन, इतना अच्छा इसका क्वालिटी, एकदम टेक्सचर जो है बहुत ही अच्छा है, क्रीमी स्मूथ टेक्सचर है, ये देख सकते हो मैट शेड, बहुत अच्छा टेक्सचर है, बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। स्पेशली फॉर मैट शेड्स मुझे ये आई शेडो पैलेट बहुत अच्छा लगता है। और अगर कभी भी ब्लैक कलर का शेड कुछ अप्लाई करना हो या फिर काजल स्मच करना हो देन डेफिनेटली मैं इस पैलेट का ये ब्लैक शेड ही यूज करती हूँ। हमेशा ब्लैक शेड अच्छा नहीं होता है, कुछ कुछ ब्लैक शेड ऐसा होता है आप देखोगे कि अच्छे से स्मूथली ब्लेंड नहीं होता है, पैचिनेस सा रहता है। तो इसका जो ब्लैक शेड है बहुत ही अच्छा है, ऑल्सो सारे मैट शेड बहुत ज्यादा अच्छा है। और ग्लिटर शेड के बारे में जो मैंने आपको कहा है आप सोचोगे कि आपके पास अगर वो जेल नहीं है तो लगाने में प्रॉब्लम होगा, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसका अभी एक रिमास्टर्ड पैलेट निकल गया है, ये जो है डिसकंटिन्यू हो गया है। रिमास्टर्ड पैलेट में क्या है, जो मैट शेड है वो सारे, सॉरी जो ग्लिटरी शेड है वो सारे मेटेलिक टाइप में है, मतलब इसका जो टेक्सचर है चेंज कर दिया है एंड शेड जो है सब एग्जैक्टली सेम है। तो अगर आप रिमास्टर्ड पैलेट जो है रोज गोल्ड का वो लेते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा एंड मुझे लगता है वो बेस्ट पैलेट आपको लगेगा। मैं भी लेना चाहती हूँ पर मैं फिर सोचती हूँ सारा जो मैट शेड है वो तो सेम है तो वो वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा लेना, पर वो इससे बेटर है, मतलब इस पैलेट में थोड़ा बहुत जो कमी था वो उसमें पूरा कर दिया है एंड वो एक परफेक्ट पैलेट बनाया है। पर ये भी मेरा बहुत फेवरेट पैलेट है एंड मुझे बहुत पसंद है। इससे आप एवरीडे लुक क्रिएट करना हो, पार्टी लुक क्रिएट करना हो, किसी भी तरीके का लुक क्रिएट कर सकते हो। अगर आप कहीं पे ट्रेवल करने जा रहे हो, किसी ओकेशन में जा रहे हो, किसी के घर, किसी रिलेटिव्स के घर एंड आपको ज्यादा प्रोडक्ट जो है लेके नहीं जाना है तो ये एक पैलेट लोगे, इससे ही आप बहुत सारे लुक, डे टाइम के लुक, नाइट टाइम के लुक जो है क्रिएट कर सकते हो। एंड ब्राइडल मेकअप के लिए भी बहुत ही अच्छा पैलेट है, इससे आपका ब्राइडल मेकअप का सारा लुक आप क्रिएट कर सकते हो। तो इसलिए इस पैलेट का एक अलग ही जगह है एंड सच में ये एक स्पेशल आई शेडो पैलेट है। सो नेक्स्ट वन इज मोर्फी आई शेडो पैलेट, पैलेट नेम है 350 इस पैलेट। तो ये पैलेट जो है एक अलग ही मतलब जगह है मेरे दिल में इस पैलेट का। सारा पैलेट जो है मेरे पास जो भी है सब एक साइड में एंड ये वाला पैलेट एक साइड में, क्योंकि ये जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, प्रोफेशनल मेकअप करना स्टार्ट किया था, प्रैक्टिस के लिए तो मैंने बहुत सारे पैलेट लिया है पर जब प्रोफेशनली मैंने सोचा था अपना वैनिटी क्रिएट करूंगी देन ये मैंने सबसे फर्स्ट टाइम जो है पहला जो पैलेट है जो मैंने परचेस किया था और अभी भी मुझे ये बहुत पसंद है। और उसके बाद न जाने मैंने कितने आई शेडोज यूज किए हैं, बहुत सारे आई शेडो ट्राई किया है, चाहे वो हाई एंड हो, चाहे वो ड्रग स्टोर हो, अफोर्डेबल में हो, एक्सपेंसिव में हो, पर मुझे नहीं लगता है कोई भी पैलेट ऐसा हो जिसमें इतना अच्छा पिगमेंटेशन है शेड में, शिमरी शेड में। ये कंप्लीट एक शिमरी शेड वाला पैलेट है, इसमें मैट शेड बिल्कुल भी नहीं है, सब शिमरी शेड है, शाइनिंग शेड है, पर इतना अच्छा पिगमेंटेशन जो है किसी भी पैलेट में मैंने नहीं देखा है। होता है कुछ कुछ पैलेट का होता है ना कि एक दो शेड अच्छा है या एक दो शेड खराब है बाकी सब अच्छा है, ऐसा होता है, पर सब शेड इतना अच्छा है ऐसा मैंने नहीं देखा है। तो अगर मैं ओपन करती हूँ आप देख सकते हो पैलेट कुछ इस टाइप का है और इसको मैंने बहुत यूज किया है फिर भी आप देख सकते हो कितना अच्छा अच्छे से अभी भी है, लगता है कि नया है।
तो अगर मैं पैलेट को जो स्वच्छ करके दिखाऊं, फिर आपको पता चलेगा इसका पिगमेंटेशन, इसका टेक्सचर जस्ट ऑसम है। मतलब ऐसा पिगमेंटेशन मुझे आज तक और दोबारा नहीं देखने को मिला है, मोर्फी के भी दूसरे पैलेट में नहीं देखने को मिला है जो इस पैलेट में है। देखो कहां पर मैं दिखाऊं, यहां पर दिखाती हूं, कितना ब्लाइंडिंग शेड है, बहुत ब्यूटीफुल एंड बहुत ही ज्यादा ब्लाइंडिंग शेड है। इस टाइप का पिगमेंटेशन, इस टाइप का टेक्सचर बहुत कम पैलेट में देखने को मिलता है, मुझे तो दिखा ही नहीं अभी तक। अगर आपके पास कोई ऐसा आई शेडो पैलेट है जरूर बताना जिसका शेड जो है इतना ज्यादा पिगमेंटेड है, इतना ब्लाइंडिंग है, एकदम हाईलाइटर जैसे ग्लो करता है, शेडो जो है उतना ही अच्छा ग्लो करता है, मुझे तो अब तक नहीं दिखा है। तो मुझे इसलिए ये पैलेट बहुत पसंद है। अगर सिर्फ शिमरी शेड का कोई पैलेट लेने की बात करो तो मुझे लगता है इससे बेस्ट और कोई पैलेट नहीं है। और इसमें आप देख सकते हो लाइट कलर का शेड, डार्क कलर का शेड, ऑरेंजिश शेड, रेड, हर कैटेगरी का, पीच शेड, हर कैटेगरी का शेड आपको मिल जाएगा। यहाँ पर स्किन टाइप का शेड है न्यूड लुक के लिए, तो हर कैटेगरी का शेड आपको मिलेगा, तो आपको अलग से कोई भी पैलेट लेने की जरूरत नहीं। हाँ, कलरफुल जो होता है ना, ब्लू, ग्रीन, येलो, ये सब नहीं है, पर वार्म टोन में अगर अच्छा एक शिमरी पैलेट चाहिए देन डेफिनेटली आपको ये परचेस करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि अभी भी ये पैलेट है या फिर मोर्फी में डिसकंटिन्यू कर दिया है, मे भी होगा, क्योंकि ये मोर्फी का बहुत ज्यादा पॉपुलर एंड ज्यादा बेस्ट सेलर वाला जो प्रोडक्ट होता है उसमें से एक ये था। तो मुझे ये पैलेट बहुत पसंद है एंड चाहे जितना भी आगे मैं आई शेडो पैलेट खरीद लूं, पर इसका एक अलग ही जगह है, इसका पिगमेंटेशन की कोई बात ही नहीं होगा। अगर आपको एकदम ब्लाइंडिंग बहुत ब्यूटीफुल सा एक ब्राइडल लुक में आई शेडो अप्लाई करना है देन इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आई शेडो पैलेट है ये है हुडा ब्यूटी का सफायर ऑब्सेशन पैलेट। तो हुडा ब्यूटी का ऑब्सेशन पैलेट जो दूसरा है वो मैंने यूज नहीं किया है तो उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगी। मैंने सिर्फ ये सफायर वाला यूज किया है, मुझे काफी पसंद आया है। स्टार्टिंग में तो मुझे मतलब लेने को मन ही नहीं होता था, मुझे लगता था इतना कम शेड्स है इसमें, 9 शेड्स है और इतना छोटा सा पैलेट है, मैं इतना प्राइस से क्यों लूं। तो एक दिन मुझे ऑफर में दिख गया था तो मैंने ले लिया, ऐसे ही जस्ट ट्राई करने के लिए लिया था। उसके बाद मुझे पैलेट इतना अच्छा लगा, क्या कहूँ, एक तो पैकेजिंग इतना अच्छा है, कार्डबोर्ड पैकेजिंग है, यहाँ पर एक ह्यूज मिरर है क्लीन जिससे अच्छे से देख पाते हो आप, क्या ट्रेवल कर सकते हो, देख के मेकअप कर सकते हो, और यहाँ पर शेड्स जो है कुछ इस टाइप का है, शेड्स इतना ब्यूटीफुल है। ये जो सिल्वर शेड है और ये वाला जो शेड है काफी यूनिक है, कुछ यूनिक शेड इसमें है, एक कलरफुल शेड है, मैट शेड है, मैं आपको स्वच करके दिखाती हूँ। इस पैलेट का भी मैट शेड, शिमरी शेड सब बहुत अच्छा है, ये देखो आप कितना ज्यादा पिगमेंटेशन है। देख सकते हो कितना अच्छा पिगमेंटेशन है, एकदम मेटेलिक शेड है इसका, एंड जो मैट शेड है वो भी बहुत अच्छा है। मेरा हाथ पूरा आई शेडो से भर गया है क्योंकि आई शेडो अगर स्वच्छ करके नहीं दिखाऊं आपको समझ नहीं आएगा सिर्फ बोलने से। तो देख सकते हो तो मैट शेड, शिमरी शेड सब अच्छा है, एंड मैट शेड जो है बहुत अच्छा ब्लेंड होता है, बिल्कुल भी पाउडरी नहीं है, टेक्सचर बहुत अच्छा है, क्रीमी है, एंड साथ में जो शिमरी शेड है वो भी बहुत अच्छा क्वालिटी का है एंड बहुत ब्लाइंडिंग है शिमरी शेड। मुझे इस 9 शेड में ऐसा कोई भी शेड नहीं है जो पसंद नहीं है, सब पसंद है। और जो येलो शेड है ये मैंने थोड़ा कम यूज किया है क्योंकि इस टाइप का लुक मैं उतना ज्यादा क्रिएट नहीं करती हूँ, एंड बाकी जो 8 शेड्स है मैंने इसको अच्छे से यूज किया है और ये तभी भी अभी भी नया लग रहा है, मतलब उतना ज्यादा खत्म नहीं हुआ है। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है एंड डेफिनेटली मैं फ्यूचर में हुडा ब्यूटी का जो बाकी ऑब्सेशन पैलेट है वो भी ट्राई करना चाहूंगी। एक्चुअली हुडा ब्यूटी जो है एज ए ब्रांड आई शेडो पैलेट के लिए ज्यादा पॉपुलर हुआ था स्टार्टिंग में, हुडा जो रोज गोल्ड आई शेडो पैलेट आपको दिखाया इससे पहले उसकी वजह से, एंड देन आगे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने निकाला है, पर मेन जो प्रोडक्ट था उनका आई शेडोज था। तो वो अपने आई शेडो की जो क्वालिटी है उसके साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है। यहाँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है पर डेफिनेटली क्वालिटी जो है एकदम बेस्ट होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज वीडियो, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड आप भी बताइएगा इनमें से कौन सा पैलेट है जो आपको पसंद है, कौन सा है जो आपने अभी तक यूज नहीं किया है ना, आप अभी ट्राई करना चाहते हो ये वीडियो देखने के बाद, तो जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स पे। और नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ मिलती हूँ और एक न्यू वीडियो के साथ। आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।